अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्ना सदीक। सुबह से एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी साहब को अनफॉलो कर दिया है, और शाम का वक्त हो गया तो मैं इस इंतजार में थी कि शायद ये खबर ना आ जाए कि हमीद रशीद की तरह उन्होंने गलती से किसी गलत बटन पर क्लिक ना कर दिया हो। बट द इंफॉर्मेशन हैज इट इज यही है कि दैट डोनाल्ड ट्रंप Following a certain report, they have decided that they are not going to follow Modi on Twitter. तो असल हुआ क्या है, तो आई वाज चेकिंग, इनकी अपनी ही यूनाइटेड स्टेट्स की एक बायपार्टिजन फेडरल गवर्नमेंट की एक कमीशन है दैट लुक्स एट रिलीजियस फ्रीडम, और उनकी कल एक एनुअल रिपोर्ट थी, मतलब आज। एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद इट हैज बीन रेकमेंडेड दैट नीड्स टू बी अ रिव्यू, और कांग्रेस नीड्स टू लुक एट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रिलीजियस पर्सिक्यूशन अब्रॉड। And having said that, maybe at last Donald Trump has made a connection between Modi and the fascist regime and the persecution of minorities. जिस तरह काफी दिनों से and in the historical United Nations खिताब जो खान साहब ने कहा था that what in fact Modi is doing, एक fascist regime को follow कर रहे हैं, Hindu supremacy, the violation of human rights, ये सारी चीजें जो है ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग विद इन इंडिया, एंड इन पर्टिकुलर रेफरेंस जो है खान साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने उसके बाद ये ट्वीट भी किया है और इस पर लिखा भी है, एंड बड़े इस पर डिस्कशंस भी हुए हैं दैट विद इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इन पर्टिकुलर मुस्लिम्स आर बीइंग पर्सिक्यूटेड। बट व्हाई हैज इट टेकन सो लॉन्ग for Congress to actually start to look at this? Is it because they are coming up for elections? It's quite interesting that jab bhi elections ka ek phase aa jata hai that superpowers like America start to look at what they in fact need to do to be able to protect their own personal interests. But whatever it is, I certainly hope that it continues to unfollow Modi.